हम फॉरेन टैक्सेशन देख रहे थे और आज का हमारा लेक्चर जो है, आज की हमारी क्लास वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होगी रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी को। थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है बट कोई बात नहीं, इसको मैंने डिसाइड किया है कि हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक पार्ट में अच्छा आगे आपको पता चलेगा मैं क्यों बोल रही हूँ दो पार्ट में पढ़ेंगे, अभी तो बोलूँगी भी तो नहीं समझ आएगा। बट एनीवेज बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। उसके पहले थोड़ा सा एक दो मिनट का ब्रीफ देना चाहूँगी, चलो जल्दी से समझते हैं हम कि लास्ट क्लास में हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि रेसिडेंट किसे कहते हैं। उसके बाद से हमने ये देखा था कि जो एक इंडिविजुअल या HUF होता है वो रेसिडेंट हो सकता है, आर हो सकता है या NR हो सकता है। जब वो आर हो जाता है तो फर्दर हम ये देखते हैं कि क्या वो एक ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो एक इंडिविजुअल और HUF का जो कैटेगराइजेशन होता है वो ऐसे होता है। और हम ये सब क्यों निकालते हैं, क्योंकि जो टैक्सेबिलिटी होती है किसी भी इनकम की वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस कहाँ है और आपको जो किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका वो इनकम अक्रू और रिसीव हुआ है, आपको जो भी इनकम अक्रू और रिसीव हुआ है। सो दो मेन फैक्टर होते हैं किसी भी इनकम की टैक्सेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए। एक तो पहला होता है रेसिडेंशियल स्टेटस और दूसरा होता है कि आपका इनकम जो है अक्रू प्लस रिसीव हुआ कहाँ है। तो अभी हम रेसिडेंशियल स्टेटस डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने इंडिविजुअल HUF का देखा था और उसके बाद से हमने देखा था फॉर्म का, कंपनी का, AOP BOI का देखा था। उसका एक ही साथ देखा था कि इसमें सिर्फ दो चीज़ें होती हैं, या तो आप आर होते हैं या NR होते हैं, इसमें कोई OR और NOR की बात नहीं होती, या तो आप रेसिडेंट हो सकते हैं या नॉन रेसिडेंट हो सकते हैं। यहाँ पे हमने HUF के लिए एक एडिशनल पॉइंट पढ़ा था कि HUF का जो डिसीजन होता है, जो डिटर्मिनेशन होता है कि वो OR है या NOR, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका कर्ता क्या है। जिस पर्टिकुलर ईयर के लिए हम डिसाइड कर रहे हैं, अगर उस पर्टिकुलर ईयर में कर्ता OR है तो वो HUF भी OR हो जाएगी, और अगर वो कर्ता NOR है तो वो HUF भी NOR हो जाएगी। रेस्ट अगर आपको डिटेल में देखना है ऑब्वियसली यू कैन वॉच द प्रीवियस लेक्चर। आज की क्लास शुरू करते हैं रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। कंपनी को हम रेसिडेंट दो केसेस में बोलते हैं। कब कब बोलते हैं, जब वो एक, अच्छा देखो NR की मैं नहीं बोल रही हूँ कि NR कब बोलते हैं, क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप R का कंडीशन नहीं फुलफिल करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली NR हो जाएंगे ना। पीछे वाली क्लास को देख लेना मैं क्या बोल रही हूँ और अच्छे से समझ में आएगा कि जब मैं R का कंडीशन नहीं फुलफिल करूँगी तो मैं ऑब्वियसली NR हो जाऊँगी। अंडरस्टूड माई पॉइंट। तो अब कंपनी के पॉइंट पे चलते हैं। कंपनी में भी अगर आप रेसिडेंट का कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहे हैं तो आप क्या बन जाएंगे, आप NR बन जाएंगे। तो कंपनी एक रेसिडेंट तभी होती है जब दो चीज़ों में वो रेसिडेंट मानी जाती हैं, या तो वो एक इंडियन कंपनी हो, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, या फिर एक ऐसी कंपनी जिसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट डिसाइड हो जाए इंडिया में। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट को हम शॉर्ट में बोलेंगे POEM। या तो वो एक इंडियन कंपनी हो या फिर उसका POEM इंडिया में हो। अब POEM का मतलब समझाया गया है कि एक ऐसा प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस एज एन एंटिटी एज ए होल आर इन सब्सटेंस मेड। मतलब जहाँ पे की मैनेजमेंट डिसीजन जो है लिए जाते हैं, वही मान लो अगर की कोई कंपनी है, कोई जर्मनी की कंपनी, बट उस जर्मनी की कंपनी का जो की मैनेजमेंट है, जो कमर्शियल डिसीजन है, वो इंडिया में लिया जा रहा है, तो इसका मतलब कि वो POEM जो है इंडिया में हो गया, डिटरमाइन हो गया। और POEM इंडिया में डिटरमाइन हो गया मतलब कि वो जो जर्मनी वाली कंपनी है वो एक रेसिडेंट कंपनी बन गई इंडिया की। और अब जैसे एक रेसिडेंट SSC पे टैक्स लगता है, उसी तरीके से इस जर्मनी वाली कंपनी पे टैक्स लगने लगेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये तो हमारा हो गया ऊपर ऊपर से हमने क्या देख लिया। अब हम इसकी गहराई में चलते हैं और अब हम देखते हैं कि एक्चुअली ये POEM की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन होता क्या है। तो देखो, POEM को डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक गाइडिंग प्रिंसिपल है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ POEM, जिसके लिए हमारे पास एक सर्कुलर है 6/2017 एंड 8/2017। बिना किसी देरी के हम शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने आपको कोई टेक्निकल बात बताई नहीं है। तो बिना किसी देरी के हम क्या शुरू करेंगे, अपना ये गाइडिंग प्रिंसिपल शुरू करेंगे। क्या हो रहा है यार, यस, गाइडिंग प्रिंसिपल शुरू करेंगे। POEM गाइडलाइन विल नॉट अप्लाई टू कंपनी हैविंग टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट ऑफ ₹50 करोड़ और लेस इन अ फाइनेंशियल ईयर। मतलब कोई कंपनी है, जैसे मैंने बताया कि एक जर्मनी में एक कंपनी है ABC INC। चलो हम अपने इस पूरे टॉपिक को जब हम पढ़ रहे होंगे तो हम कंट्री लेंगे जर्मनी, ठीक है, और इस जर्मनी की कंपनी को नाम देंगे ABC INC। अब ये ABC INC है, अगर इस ABC INC का 50 करोड़
और लेस टर्नओवर है तो फिर ये गाइडिंग प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। हम उसको कोशिश ही नहीं करेंगे कि हम इसका पोएम इंडिया में डिसाइड कर ले। और ये पोएम इंडिया में कौन डिसाइड करता है बताओ? एओ डिसाइड करता है, क्योंकि कंपनी खुद से अपना पोएम इंडिया में डिसाइड, मतलब जहाँ पे ऑफकोर्स कंपनी भी डिसाइड करती है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्या करेगी कंपनी, तो अपना नहीं बोलेगी कि मैं अपना पोएम जैसे तैसे ला के इंडिया में कर लेती हूँ ताकि मेरी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाए इंडिया में। तो ये जो पोएम होता है, एक तो सेल्फ असेसमेंट होता है, तो हम खुद असेस करते हैं, या फिर जब हम जब भी कोई केस वगैरह लग जाता है, जब असेसमेंट वगैरह शुरू हो जाता है, तो उस केसेस में हमारा एओ जो है वो पोएम डिसाइड करता है। ठीक है, तो गाइडिंग प्रिंसिपल शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारा ये निकला कि अगर 50 करोड़ से कम है तो कंपनी को अपने ऊपर पोएम की गाइडलाइंस लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके अलावा बोल रहा है CBDT हैज़ लेट डाउन द फॉलोइंग गाइडिंग प्रिंसिपल टू बी फॉलोड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम। ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट एन एंटिटी मे हैव मोर देन वन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, बट इट कैन ओनली हैव वन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पोएम विल ऑल्सो बी रिक्वायर्ड टू बी डिटरमाइंड ऑन ईयर टू ईयर बेसिस। ठीक है, चलो यहाँ पे दो तीन चीज़ें बोली गई हैं। एक तो पहला ये बोला गया है कि पोएम के डिटर्मिनेशन के लिए पहले ये देख लेना कि टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ हो तो ही पोएम वाली गाइडलाइंस लगाना। ठीक है जी, पहली बात हमने मान ली आपको। दूसरी बात यहाँ पे बोला गया है कि CBDT ने कुछ प्रिंसिपल लेट डाउन किए हैं, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बात मान ली हमने। तीसरी बात यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो हम पोएम डिसाइड करेंगे, ये पोएम हमें हर एक साल डिसाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पोएम के बेसिस पे एक कंपनी का रेसिडेंट या NR होना, NR बनना कौन से SSC में वो फॉल करेगा वो तय करेगा। और हमने पिछली क्लास में ही देखा था कि जो डिटर्मिनेशन होता है रेसिडेंशियल स्टेटस का, वो हर एक साल होना चाहिए। क्योंकि हो सकता है अगर मैं एक SSC हूँ, अगर मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं इस पर्टिकुलर ईयर में इंडिया में थी, बट फ्रॉम लास्ट 20 ईयर अगर मेरा ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए, सो आई वॉज आउट ऑफ इंडिया, सो इट मे बी पॉसिबल। So this became an important reason to determine POEM, to determine the residential status of an SSC each and every year, ना कि हम एक बार decide कर ले और उसके बाद से चुप बैठ जाए कि हर एक साल में तो ये मेरा SSC R ही रहा होगा या NR ही रहा होगा। No, that won't be possible. So इसलिए POEM का determination भी हर एक साल होगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम इज वेदर कंपनी इज इंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। सो देखो, एक कंपनी जो होता है पहले वो क्या बनती है? रेसिडेंट बनती है। रेसिडेंट बनने के लिए दो क्राइटेरिया होता है, पहला या तो वो इंडियन कंपनी बन जाए या फिर उस कंपनी का पोएम इंडिया में इस्टेब्लिश हो जाए। अब इंडिया में इस्टेब्लिश होगा, कंपनी का पोएम इस्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ है ये कैसे डिटरमाइन होता है? इसके लिए आपको लॉ बोल रहा है कि अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो कंपनी का पोएम इंडिया में नहीं है, या फिर अगर दूसरे शब्दों में बोलें तो अगर एक्टिव बिजनेस इन इंडिया है तो इस कंपनी का पोएम इंडिया में है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। देखो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम इज वेदर द कंपनी इज इंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अगर आउटसाइड इंडिया है तो पोएम इंडिया में नहीं है, और अगर इन इंडिया है, मतलब उसका उल्टा जो हो गया, तो पोएम इंडिया में होगा। A company shall be said to be engaged in active business outside India. अब उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि अगर ये चीज़ें फॉलो होती हैं तो ऐसा मानेंगे कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, और अगर ये चीज़ों को कंपनी फुलफिल करती है तो फिर हमें पोएम जो है उस कंपनी का इंडिया में नहीं माना जाएगा। पहला पॉइंट है, इफ़ पैसिव इनकम इज़ मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम। पहला, अभी इसका मतलब समझेंगे। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। Less than 50% of its total asset are situated in India. Okay. Less than 50% of total number of employee situated in India or are resident in India, and the payroll expenses incurred on such employee is less than 50% of its total payroll expenditure. Majority of the board meeting are held outside India. थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा, बट कोई बात नहीं। पॉइंट नंबर वन से शुरू करते हैं हम अब, और धीरे धीरे करके समझना शुरू करते हैं। पॉइंट वन आपको बोलता है, इफ़ पैसिव इनकम इज़ मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम। मान लो कंपनी है वही ABCINC, पैसिव इनकम अगर मैं मान लूँ टोटल इनकम सब में जो है, हम टोटल मानेंगे 100 रुपीज़ मानो, 100 करोड़ मानो, जो भी मानना है मानो, हम 100 मानते हैं एक नंबर। ठीक है, बोलते हैं अगर पैसिव इनकम जो है अगर मोर देन 50% है, मतलब कि अगर मोर देन 50 है, ठीक, तो इस कंपनी का, मतलब ये सारी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई इसमें से एक, नो, ऑल दिस कंडीशन, इफ़ ऑल दिस कंडीशन आर फुलफिल तो कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश हो जाता है, और अगर ऐसा होता है तो पोएम इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं होता। अब यहाँ पे पहले पॉइंट में आपको जो क्वेश्चन उठता है वो ये है कि पैसिव इनकम क्या होता है। टोटल इनकम तो समझ में आ रहा है,
बट पैसिव इनकम का मतलब, अच्छा इनकम का मतलब पहले बताया गया है, जो टोटल इनकम मैं बोल रही हूँ एज कम्प्यूटेड फॉर टैक्स पर्पस, ना कि आपके अकाउंटिंग बुक वाले पर्पस के लिए। जो आपके टैक्स पर्पस से टोटल इनकम निकला है, मैंने माना 100 इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ दैट कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, वेयर द लॉ ऑफ कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन डज नॉट रिक्वायर सच ए कंप्यूटेशन। मतलब कि जैसे मैंने ABCINC माना था और मैंने माना था जर्मनी, कंट्री मैंने माना था जर्मनी, तो अगर मैं टोटल इनकम की बात करूँ तो अगर वहाँ पे टैक्स लॉ काम करता है, अगर वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे टैक्सेशन है, देन जो टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो इनकम निकला होगा, सपोज़ करो 100, यही मेरा टोटल इनकम हो जाएगा। अगर टैक्स लॉ वहाँ पे है ही नहीं तो जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग जो इसका इनकम निकला है, सपोज़ करो 100, तो ये इसका इनकम हो जाएगा। पहला पॉइंट आपको ये बोलता है, टोटल इनकम हमने समझ लिया, भाई पैसिव इनकम हमारा बाकी है। चलो पहले वही पैसिव इनकम ही समझ लेते हैं। यस, अब यहाँ पे बोलता है पैसिव इनकम, इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ इनकम फ्रॉम द ट्रांजेक्शन वेयर बोथ द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स टू और फ्रॉम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। मतलब कि अगर मैं इनकम की बात करूँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर 100 रुपीज़ मेरा इनकम है और बोल रहा है कि 50%, क्या बोला था आपको, इफ पैसिव इनकम इज़ मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम, मतलब कि अगर 51 रुपीज़ आ जाता है आपका पैसिव इनकम से, इस टोटल इनकम में कुछ पैसिव होगा कुछ नॉन पैसिव होगा, तो अगर 51 रुपीज़ पैसिव इनकम से आ जाता है तो ये आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो पैसिव इनकम का मतलब बताया गया है, दो पॉइंट है कि जहाँ पे अगर सेल की बात करूँ, परचेज अभी हटा देते हैं, तो हमने सेल किया है, किसको सेल किया है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को सेल किया है। किसको सेल किया, अगर हम एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को सेल किए हैं, या इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी डिविडेंड कैपिटल गेन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट और रेंटल इनकम, या हमारे बुक्स में अगर कोई रॉयल्टी है डिविडेंड है, ये जो 100 रुपीज़ का इनकम आ रहा है इसमें इन लोगों का कंट्रीब्यूशन मिला के अगर मोर देन 50% है, इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी डिविडेंड कैपिटल गेन इंटरेस्ट और रेंटल इनकम, तो फिर इसका मतलब होगा कि पैसिव इनकम इज मोर देन इट्स टोटल इनकम, वेदर डिराइव फ्रॉम एसोसिएटेड और नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज। इसमें एसोसिएटेड नॉन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज का कोई मतलब नहीं है, मतलब ये लाइन नहीं भी लिखी होती तो हमें सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या जो हमने सेल किया है वो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेज को किया है, और हमारे बुक्स में जो रॉयल्टी डिविडेंड कैपिटल गेन इंटरेस्ट और रेंटल इनकम आ रही है उन सबको ऐड करके अगर हमने देखा कि दिस इज मोर देन 51%, देन वॉट वुड हैपन, इसका मतलब कि इसका एक्टिव बिजनेस इंगेज्ड आउटसाइड इंडिया का पहला पॉइंट फुलफिल हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, पहला पॉइंट आपने समझ लिया ना, अगर नहीं समझा तो चलो एक बार और मैं रिपीट करने की कोशिश करूँगी। बोलता है पहले पॉइंट में पैसिव इनकम की एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया पोएम को इंडिया में इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक्टिव बिजनेस कहाँ पे है। अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश हो जाता है, दैट मीन्स, व्हाट डज दैट मीन्स, कि पोएम इंडिया में इस्टेब्लिश नहीं है, और अगर एक्टिव बिजनेस इन इंडिया इस्टेब्लिश हो जाता है, इन इंडिया इस्टेब्लिश होने का क्या मतलब है, कुछ भी मतलब नहीं है, मतलब ये है कि अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश नहीं हो पाता है तो पोएम इंडिया में है। तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश होने का पहला पॉइंट था कि जो भी आपका टोटल इनकम है जिस कंपनी का आप असेसमेंट कर रहे हैं, अगर उसका मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम जो है वो पैसिव इनकम से आ रहा है तो पहला कंडीशन आप फुलफिल कर लेते हैं। अब पैसिव इनकम का मतलब बताया गया कि रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, और क्या था, एक सेकेंड और देख लेती हूँ, और रॉयल्टी इनकम, इन सबको मिला के और प्लस उसमें ऐड कर लेना कि जो आप जिस भी प्रोडक्ट का या सर्विस का सेल करते हैं, अगर आपने उस प्रोडक्ट या सर्विस को बेचा है, किसको बेचा है, एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को, और इन दोनों इनकम को मिला के अगर आपका टोटल इनकम का 50% से ज़्यादा हो रहा है, दैट मीन्स कि आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का क्या पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा पॉइंट है लेस देन 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट आर सिचुएटेड इन इंडिया। मतलब मान लो कि अगर 100 करोड़ का एसेट है, वही मैंने 100 माना है, और सपोज करो ना यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, 50% ऑफ इट्स टोटल एसेट लेस, मतलब कि अगर 51 करोड़ का एसेट आउटसाइड इंडिया में है तो हम ये कैसे मानेंगे कि ये कंपनी इंडिया से अपना बिजनेस रन कर रही है, ये कंपनी का जो मैनेजमेंट है, जो कमर्शियल डिसीजन है वो इंडिया में लिया जा रहा है। आप समझ रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो समराइज वे में अगर मैं बोलूँ तो इसलिए बोल रहे हैं कि अगर जो कंपनी का टोटल एसेट है और अगर उस एसेट का अगर हम लोकेशन देखना चाहें और अगर
इंडिया में हमने देखा कि लेस देन 50% ऑफ टोटल एसेट सिचुएटेड है इंडिया में, तो ये आपने सेकंड कंडीशन फुलफिल कर ली एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया की। और एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का मतलब क्या होता है कि पोएम इंडिया में नहीं है। थर्ड कंडीशन है लेस देन 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय सिचुएटेड इन इंडिया और आर रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब अगर टोटल 100 एम्प्लॉय हैं तो इंडिया में कितने एम्प्लॉय हैं, 50 से कम एम्प्लॉय हैं आपके पास। मतलब आपके पास 40 एम्प्लॉय, 30, 20, 49 मैक्सिमम, मतलब 50 से कम एम्प्लॉय हैं, तो हम ऐसा मानेंगे कि आपका जो बिजनेस है वो कंट्रोल बोलूँ या फिर बोलूँ कि उसका कमर्शियल डिसीजन इंडिया में नहीं लिया जा रहा है, और इसलिए आपका जो एक्टिव बिजनेस जो है वो आउटसाइड इंडिया हो जाएगा और पोएम इंडिया में नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट बोलते हैं कि अगर टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर की बात करूँ, मान लो टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर 100 करोड़ है, तो जो इंडिया के एम्प्लॉय के ऊपर, मान लो ऊपर हमने निकाला कि 40 एम्प्लॉय जो है इंडिया में है, अब इस 40 एम्प्लॉय में ये भी तो हो सकता है ये सारे व्हाइट कॉलर एम्प्लॉय हूँ और 100 करोड़ में से 60 करोड़ जो है इन्हीं को जाता हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो एक्सपेंस के बारे में भी बोला गया है कि जितना भी हमने टोटल पेरोल एक्सपेंडिचर अपने बुक्स में बुक किया है उसका 50% अमाउंट, तो लेस देन 50% अमाउंट इंडिया वाले एम्प्लॉय को मिल रहा है। मतलब कि ये जो 40 एम्प्लॉय हैं, अगर मैं मान लूँ कि 40 एम्प्लॉय ही इंडिया में है, तो ये इन 40 एम्प्लॉयज़ पे 50 करोड़ से लेस अमाउंट खर्च हो रहा है, तो हम मानेंगे कि इसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। लास्ट पॉइंट आपका बोलता है मेजॉरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ मीटिंग आर हेल्ड आउटसाइड इंडिया। मतलब जितने भी आपने बोर्ड मीटिंग हेल्ड किए हैं वो आउटसाइड इंडिया हेल्ड किए हैं। इनकम का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब वैल्यू ऑफ एसेट जो हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि 50% ऑफ टोटल एसेट, तो इसलिए वैल्यू ऑफ एसेट का यहाँ पे मतलब बताते हैं कि वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब हुआ अगर डेप्रिसिएबल एसेट की बात करूँ तो एवरेज वैल्यू फॉर टैक्स पर्पस इन द कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब जिस ईयर में सपोज करो हम 23-24 में ये काम कर रहे हैं, और अगर जो ओपनिंग बैलेंस है वो 100 है, और अगर क्लोजिंग बैलेंस है, आपको ओपनिंग बैलेंस देखना है और क्लोजिंग बैलेंस देखना है, अगर वो 110 है और इसका हम एवरेज लेंगे तो आपके पास हो गया 210। ठीक है, अब ये जो हो गया 105 करोड़, दिस विल बी योर व्हाट टोटल एसेट, इस ये आपके डेप्रिसिएबल एसेट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और जो डेप्रिसिएबल एसेट के अलावा जो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लैंड वगैरह की बात कर लूँ, बिल्डिंग की बात कर लूँ, या फिर कोई पेंटिंग वगैरह है तो उसकी बात कर लूँ जो कि डेप्रिसिएबल नहीं है, उसकी बात करूँ तो जो भी उसकी बुक वैल्यू होगी उस बुक वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे। मान लो कि जो नॉन डेप्रिसिएबल एसेट है उसकी टोटल बुक वैल्यू 50 करोड़ आ रही है, तो 105 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 155 करोड़ आपका टोटल एसेट हो जाएगा। अब आते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कैसे डिटरमाइन होगा। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपको क्या बोलता है, ये बोलता है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एज एट द बिगनिंग एंड At the end of the year shall include person who do not employ directly by the company perform tasks similar to those performed by the employee। मैं आपको बताती हूँ, देखो हमने एसेट के बारे में पढ़ा कि जो भी हमारा डेप्रिसिएबल एसेट होता है, जब हम टोटल एसेट निकाल रहे होंगे तो हमारा टोटल एसेट कैसे निकलेगा। अगर हम अपने बैलेंस शीट की बात करें, चलो यहाँ पे बनाते हूँ, अगर मैं अपने बैलेंस शीट की बात करूँ तो एसेट में एक तो हमारा डेप्रिसिएबल एसेट होगा, एक हमारा नॉन डेप्रिसिएबल एसेट होगा। डेप्रिसिएबल एसेट में उसकी कुछ ओपनिंग वैल्यू होगी, फिर हम डेप्रिसिएट करेंगे, क्लोजिंग वैल्यू आएगी। तो अगर ओपनिंग 100 था और अगर क्लोजिंग 110 हो गया, नंबर्स पे मत जाना, मैं आपको ऐसे ही बोल रही हूँ, तो इसका हम एवरेज निकालेंगे जो हमारे पास आ गया 105। और नॉन डेप्रिसिएबल अगर मान लो 50 है तो ये मेरे पास आ गया 50, 155 करोड़, मान लो ये 155 करोड़, दिस बिकम माई टोटल एसेट, वैल्यू ऑफ टोटल एसेट। उसी तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय की जब बात हो रही है तो बोल रहे हैं कि आप एक ओपनिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉय ले लेना। अगर 23-24 की बात कर रही हूँ तो शुरू में जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय थे, सपोज करो यहाँ पे 100 थे, अब ये नंबर्स आ गए, ये रुपीज़ में थे, ये नंबर आ गए, और क्लोजिंग 110 हो गया, तो आपके पास टोटल कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय हो गए, 210 डिवाइडेड बाई 2, इसका एवरेज कर लेना, और एवरेज करने के बाद 104 नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपके पास आ गए। अब इसमें एक चीज़ और बोल रहे हैं कि ये जो नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे इसमें उन लोगों को भी इंक्लूड कर लेना हु डू नॉट एम्प्लॉय डायरेक्टली, जो कि आपके पेरोल पे तो नहीं है, बट सपोज करो आपने उनको कैसे रखा हुआ है, अगर आपने अपने अकाउंटिंग का काम, आपने अपने पेरोल का काम अगर किसी को आउटसोर्स किया हुआ है तो वो भी आप ही के लिए काम कर रहे हैं, तो उन एम्प्लॉयज़ को भी ऐड कर लेना। सपोज़ करो इस 100 में से या इस 110 में से 50 ऐसे थे जो आपके पेरोल पे नहीं है, बट ये आपके थर्ड पार्टी या आपके कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं, तो ये भी आपके एम्प्लॉय में इंक्लूड होंगे। और इन सबको ऐड करने के बाद से जो भी ओपनिंग और क्लोजिंग आएगा उसका एवरेज करने के बाद से जो भी हमारे पास नंबर आएगा, दैट नंबर वुड बी माई
नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। अब पेरोल की बात हो रही है, यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉय की बात हो रही थी, यहाँ पे पेरोल एक्सपेंडिचर की बात हो रही है कि जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉय निकले हमने उन पे क्या एक्सपेंस किया, एक्सपेंड किया। द टर्म इंक्लूड कॉस्ट ऑफ सैलरी विच इज़ बोनस वेजेस एंड ऑल अदर एम्प्लॉय कंपनसेशन इंक्लूडिंग रिलेटेड पेंशन एंड सोशल कॉस्ट बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर। मतलब कि मान लो जो आपका एम्प्लॉय कॉस्ट होता है जनरली, अगर मैं मान लो जो आप सैलरी दे रहे हो वो प्लस बोनस होगा, प्लस अगर आप पेंशन दे रहे हो तो वो प्लस सोशल कॉस्ट का मतलब हो गया जो भी आपने पीएफ वगैरह पे खर्चा किया है वो सब मिला करके आपका क्या हो जाएगा, आपका एम्प्लॉय कॉस्ट हो जाएगा। पैसिव इनकम हमने ऑलरेडी देख लिया है, आगे यहाँ पे देखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, ऐसे तो मैंने सोचा था आई विल कीप दिस एज अ रिविजनरी क्लास बट आई एम गोइंग वेरी स्लो और बहुत एक्सप्लेन करके पढ़ा रही हूँ। हाउएवर इन ए केस बोर्ड इज़ नॉट एक्सरसाइजिंग इट्स पावर ऑफ मैनेजमेंट एंड सच पावर आर बीइंग एक्सरसाइज्ड बाय ईदर द होल्डिंग कंपनी और एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया देन पोएम शैल बी कंसिडर टू बी इन इंडिया फॉर द पर्पज मेनली बिकॉज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉलो जनरल एंड ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ the global policy of the group laid down by the parent entity which may be in the field of payroll function, accounting, HR function, IT, network platform, supply chain function, routine banking। अब देखो मैं आपको इस पूरे पैरा का एक मतलब समझाती हूँ। ये तो आपका फंक्शन हो गया, नॉट बींग स्पेसिफिक टू एनी एंटिटी और ग्रुप और एंटिटीज पर से वुड नॉट कंसिडर। इस पैरा ये जो पैराग्राफ है इसमें बोलता क्या है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। देखो बोलता क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था एबीसी आईएनसी और ये एबीसी आईएनसी का मैंने इनकॉर्पोरेशन माना था कहाँ पे, जर्मनी में। ओके अब ये जर्मनी में इसका इनकॉर्पोरेशन है। अब सपोज़ करो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, आपकी इंडिया की कंपनी होती है तो वहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, उनके कुछ राइट्स होते हैं, उनके पास कुछ पावर्स होते हैं रिगार्डिंग कंपनी पॉलिसीज एंड ऑल ऑफ दैट, वो पॉलिसीज बनाते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं एंड एक्सेट्राज। अब हुआ क्या, ये जो ए बी सी आई एन सी थी जर्मनी वाली, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो हैं, ऑन पेपर इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला, लेकिन ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ कर नहीं रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चार मीटिंग्स करते हैं ईयर में और जो एक्चुअल पॉलिसी मेकर्स जो हैं या एक्चुअली जो कंपनी के की डिसीजन जो लिए जा रहे हैं वो या तो इसकी होल्डिंग कंपनी ले रही है जो कि इंडिया में बेस्ड है, ठीक है, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन ले रहा है जो कि पर्सन इंडिया में है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो हम ऐसा मानेंगे कि नाउ दिस कंपनी हैज़ पोएम इन इंडिया। मतलब कि इस कंपनी का एक्चुअल पोएम डिटरमाइन करने के लिए अगर आपको फर्स्ट लाइन याद हो तो वहाँ पे यही था कि जो कमर्शियल डिसीजन है, जो मैनेजमेंट डिसीजन है, वो अगर इंडिया में लिए जा रहे हैं तो फिर उस कंपनी का जो है हम पोएम इंडिया में मान लेंगे और वो कंपनी रेसिडेंट बन जाएगी। एक कंपनी है जो कि बाहर काम कर रही है, वो कुछ भी बेच रही है, कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर रही है, बट अगर उसका पॉलिसी मेकर, अगर उसका डिसीजन मेकर इंडिया में है तो वो एक तरीके से उसका जो पोएम है, उसका जो इफेक्टिव मैनेजमेंट है वो इंडिया में हो गया ना, तो वो रेसिडेंट कंपनी बन जाएगी। यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं कि अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं अपने पावर को और वो पावर जो है एक्सरसाइज किया जा रहा है किसके द्वारा, बाय होल्डिंग कंपनी या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जो कि रेसिडेंट है इंडिया का, उस केस में पोएम जो है इंडिया में माना जाएगा। बट इसके लिए, इस चीज़ के लिए, ये तो एक जनरल बात हो गई, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन दे रहे हैं कि जैसे पेरोल फंक्शन होता है, एचआर फंक्शन होता है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क प्लेटफॉर्म, सप्लाई चेन या फिर जो भी ऐसे फंक्शंस होते हैं, तो जब एक ग्लोबल कंपनी बनती है, जब एक एजेंसीज बनती है ना कहीं पे भी जिसकी सेवरल एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस होते हैं अलग अलग कंट्रीज में, तो क्या होता है, एक ग्लोबल पॉलिसी लिखा जाता है रिगार्डिंग एचआर, रिगार्डिंग पेरोल, रिगार्डिंग सप्लाई चेन, इन सारी चीज़ों के लिए जो कि वो कंपनी चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो यूएसए में काम कर रही हो या फिर वो जर्मनी में ऑपरेट कर रही हो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये कंपनी सिमिलर बेसिस पे फॉलो कर रही होगी। मतलब कि अगर एक सपोज़ करो अगर एक एम्प्लॉय है जो कि एक एसोसिएट है, सपोज़ करो एक लेवल है, एसोसिएट लेवल है, तो अगर इस एसोसिएट लेवल को इंडिया में 10 लाख रुपए की सैलरी दी जा रही है तो यूएसए में इसी के इक्विवेलेंट कुछ $50,000, मैं ऐसे एक रफ गेस मानती हूँ, इस कुछ $50,000 या $10,000 जो है इसे मिल रहा होगा। तो पेरोल, एचआर, सप्लाई चेन फंक्शन को अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है अगर ग्लोबल पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं तो हम ऐसा नहीं मानेंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है ये स्टैंडिंग असाइड है, ये अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये तो बस ऑन पेपर हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, अगर कुछ ग्लोबल पॉलिसीज फॉलो हो रही है देन इट्स ओके, बट अगर की डिसीजन मेकर्स जो है या फिर मैं बोलूँ तो जो रोज़ जो
जहाँ पे डिसीजन लेने की बात आती है, अगर मैं ग्लोबल पॉलिसीज की बात कर दूँ तो अदरवाइज ऑपरेशन में जो डिसीजन की बात होती है वो अगर एक होल्डिंग कंपनी कर रही है, डिसीजन ले रही है जो कि इंडिया में है, या फिर एक ऐसा पर्सन ले रहा है जो कि इंडिया में है, तो पोएम इंडिया में एस्टैब्लिश हो जाएगा। इट इज़ फर्दर मेंशन इन द, अच्छा इसको रहने देते हैं, नॉट नेसेसरी राइट नाउ। अब इसको पढ़ते हैं, सर्कुलर 25/2017। देखो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा तो दिया है, बट पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको यहाँ तक का एक समराइज ओवरव्यू दे दूँ। दो मिनट सिर्फ लगेगा, ठीक। चलो देखते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी आज हमने डिसाइड किया था, जिसमें हमने दो चीज़ देखी। बोला हमने बोला कि एक कंपनी जो है उस वो रेसिडेंट, या फिर मैं बोलूँ तो अपने लैंग्वेज में आर, हम अपने क्लास में रेसिडेंट को आर बोलेंगे, ठीक। तो वो आर कब बन जाएगी, दो केसेस में बनती हो, या फिर वो एक इंडियन कंपनी हो। इंडियन कंपनी का मतलब क्या हुआ कि अगर वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हुई है इंडिया में तो वो एक ऐसी कंपनी हो, या फिर एक ऐसी कंपनी जिसका पोएम इंडिया में हो। अब पोएम इंडिया में हो, इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमारे पास एक सर्कुलर था, एक गाइडिंग प्रिंसिपल बोलो या सर्कुलर बोलो, हमारे पास वो था। अब सर्कुलर जो है हमें कुछ चीज़ें बोलता था। सर्कुलर ने सबसे पहले, अगर मैं ये सब छोड़ भी दूँ, तो सर्कुलर ने हमें पहले ये बोला कि कंपनी का पोएम इंडिया में डिसाइड करने के लिए देख लेना कि उसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है क्या। इफ़ द एक्टिव बिजनेस इज आउटसाइड इंडिया देन वॉट, देन पोएम इंडिया में नहीं है। मेरी बात को याद रखना, मतलब कुछ क्राइटेरिया दिया गया जिससे आपको ये पता लगाना है कि क्या ये कंडीशन फुलफिल होता है, तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो जाएगा। और एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया मतलब पोएम इंडिया में नहीं है, मतलब वो कंपनी रेसिडेंट नहीं है। बट अगर वो कंडीशन नहीं फुलफिल होता है तो हम क्या मानेंगे कि एक्टिव बिजनेस इंडिया में है। एक्टिव बिजनेस इंडिया मतलब कि पोएम इंडिया, और पोएम इंडिया मतलब कि वो कंपनी रेसिडेंट इन इंडिया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब जो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के लिए जो क्राइटेरिया है, जो कंडीशन है, वो कुछ इस तरीके से है। पहला बोला गया है कि अगर आपका पैसिव इनकम है मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम। टोटल इनकम निकालने के लिए बोला गया कि या तो अगर उस जिस कंट्री में वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है उसके टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो भी इनकम आ रहा होगा वो उसका टोटल इनकम होगा। अगर टैक्स लॉ वहाँ पे ऑपरेट नहीं करता है तो फिर क्या करना, जो जो बुक्स ऑफ अकाउंट के अकॉर्डिंग जो इनकम आ रहा होगा वो उसका टोटल इनकम होगा। और पैसिव इनकम के लिए बोला गया कि जो रॉयल्टी, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रेंटल इनकम आ रहा है, प्लस जो भी सेल किया है हमने गुड्स का या सर्विसेज का टू एन एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, इन सारे इनकम को जोड़ लेना। इफ़ दिस इनकम इज़ मोर देन 50% ऑफ इट्स टोटल इनकम, तो आप पहला कंडीशन फुलफिल करते हो। फिर बोला गया कि अगर टोटल एसेट निकालना, टोटल एसेट निकालने का तरीका बताया गया कि एवरेज ले लेना ओपनिंग और क्लोजिंग का, डेप्रिसिएबल एसेट का और नॉन डेप्रिसिएबल एसेट का टोटल वैल्यू ले लेना, इसका एवरेज कर देना ओपनिंग और क्लोजिंग का, जो वैल्यू आया वो आपका टोटल एसेट हो गया। अब इस टोटल एसेट का देखना कि कितना परसेंटेज सिचुएटेड है इंडिया में। अगर मोर देन 50% सिचुएटेड है, या दूसरे शब्दों में बोलूँ तो लेस देन 50% सिचुएटेड है, तो फिर ये एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया बन गया। नंबर ऑफ एम्प्लॉय के लिए भी बोला गया कि ओपनिंग और क्लोजिंग का एवरेज कर लेना, देखना कि इंडिया में कितने एम्प्लॉय हैं। अगर लेस देन 50% है तो ये भी एक तीसरा कंडीशन आपने फुलफिल कर लिया। पेरोल एक्सपेंस के लिए बोला गया कि अगर पूरा पेरोल एक्सपेंस का लेस देन 50% इंडिया में खर्च होता है तो फिर आपका ये भी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया का एक कंडीशन हो गया। और मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड मीटिंग अगर आउटसाइड इंडिया हेल्ड हो रही है तो भी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो गया। अब इन सब के अलावा यहाँ पे हमें एक और पॉइंट बताया गया कि अगर ऐसा फील हो रहा है ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ क्या कर रहे हैं, ऑन पेपर चार मीटिंग कर लेते हैं, बट जो कंपनी के की डिसीजन है, कमर्शियल डिसीजन है, वो होल्डिंग कंपनी ले रही है, या फिर वो एक ऐसा पर्सन ले रहा है जो इंडिया में बेस्ड है, तो हम ऐसा मानेंगे कि कंपनी का जो पोएम है इंडिया में है। अब हमारे पास एक और सर्कुलर आता है जो कि 25/2017, जो बात करता है किसका, कंपनी नॉट इंगेज्ड इन एक्टिव, सॉरी यार आई एम वेरी सॉरी, पहला ड्राफ्ट है तो इसलिए थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक है। देखो मैंने आपको ऊपर का जो टॉपिक पढ़ाया उसमें हमें ये डिटरमाइन करना था कि क्या कंपनी जो है इंगेज्ड है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में। अगर है तो फिर पोएम इंडिया में डिटरमाइन हो गया। अब हम जो आगे पढ़ रहे हैं कि उस कंपनी का जो हमने लॉ पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कंपनी जो है आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, तो क्या हम मतलब कि जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाया, उसमें कहीं पे लैकिंग हो गई। तो अब लैकिंग हो गई तो इसका मतलब इंगेज्ड आउटसाइड कंपनी की जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंगेज्ड आउटसाइड इंडिया नहीं है। इंगेज्ड आउटसाइड इंडिया नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि पोएम इंडिया में मान लिया जाएगा, क्योंकि अगर आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश हो जाता तो पोएम आउटसाइड इंडिया हो जाता। बट इंगेज्ड आउटसाइड इंडिया इस्टेब्लिश नहीं हो पाया
तो अब पोयम मान लिया जाएगा इंडिया में और कंपनी बन जाएगी रेसिडेंट। बट यहाँ पे ना ये जो लॉ है वो काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ों को, जैसे कि मैं बोलूँ ऐसा नहीं है कि ये चार चीज़ें देख के कोई मटेरियल का मतलब कि कोई मैटर है जिसका हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, ये चार कैरेक्टरिस्टिक देख लेना और अगर ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ये मैटर ये जो जो भी है जी ये गोल्ड हो जाएगा या ये सिल्वर हो जाएगा या फिर एल्यूमिनियम हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, ऐसा डिसीजन नहीं है। ये बहुत ही एक प्रैक्टिकल सिनेरियो होता है। तब यहाँ पे लॉ ने एक और थोड़ा सा लिवरेज लिया। क्या लिवरेज लिया? कि जिनका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया हो गया उनका पोयम तो इंडिया में नहीं हुआ, वो रेसिडेंट नहीं बने, बट जिनका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं हो गया क्या हम उनको घोषित कर देंगे कि आपका पोयम इंडिया में है और आप रेसिडेंट बन गए? द आंसर वुड बी नो। हम एक और चीज़ चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? यहाँ पे आपको 25/2017 जो सर्कुलर है वो आपको यही बोलता है कि पहले स्टेज में आपको चेक करना है, क्योंकि मान लो कि सारा कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल लेती हूँ, बट जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ थे जो था कि लेस देन 50% इंडिया में होने चाहिए, वो 50% ना होकर 52% है, दो चार एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है, तो क्या हम ये मान लेंगे कि सिर्फ दो चार एम्प्लॉयज़ इंडिया में ज़्यादा हैं तो वो पोयम इंडिया में बन गया? द आंसर वुड बी नो। इसीलिए ये बोला गया कि आपको तुरंत उसको रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं करना है, तुरंत उसको पोयम इंडिया में नहीं बनाना है, थोड़ा दो चार चीज़ें और चेक कर लेना। पहले स्टेज पे बोलते हैं आइडेंटिफाई द पर्सन हु एक्चुअली मेक द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन फॉर कंडक्ट ऑफ द कंपनी एज ए होल। पहले प्रैक्टिकल बेसिस पे जाके देखना कि वो कौन से लोग हैं जो की मैनेजमेंट या कमर्शियल डिसीजन कंपनी के बना रहे हैं, क्या वो कोई मतलब एक जनरल पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं या फिर वो एक नॉर्मल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या फिर कोई एक पर्सन है जिसने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया हुआ है और इंडिया में है। सेकेंड स्टेज पर बोलते हैं कि वो प्लेस देख लेना, अगर वो प्लेस इंडिया में है तो ऑब्वियसली वो प्लेस आपका फिर वो और एक पॉइंट बन जाएगा कि पोयम इंडिया में एस्टैब्लिश हो गया। या फिर अगर मैं बोल रही हूँ कि पर्सन को आइडेंटिफाई करो, अगर वो पर्सन इंडिया का रेसिडेंट हुआ तो इसका मतलब कि वो कंपनी जो है उसका पोयम इंडिया में बन जाएगा। तो दो चीज़ें आपको उसके साथ साथ, जब आप ऊपर वाले कंडीशन को नहीं फुलफिल कर पाते हैं तो उसके बाद आपको दो फैक्टर और देखने हैं। पहला ये देखना है कि कौन से लोग हैं जो आपका एक्चुअल कंपनी के डिसीजन ले रहे हैं, और जो वो बंदा है, जो वो आदमी है, उसका एक्चुअली जो डिसीजन लिया जा रहा है वो इनफैक्ट वो प्लेस कौन सा है। द प्लेस वेयर दीज मैनेजमेंट डिसीजन आर टेकन वुड बी मोर इम्पॉर्टेंट देन द प्लेस वेयर सच डिसीजन आर इम्प्लीमेंटेड। मतलब कि सपोज करो ABC INC है और मैं इंडिया में हूँ, आई एम द ओनर ऑफ ABC INC, पूरा की मैनेजमेंट, पूरा की मेकर, पूरा डिसीजन मैंने ही संभाल रखा है और कंपनी का डिटरमाइन हो रहा है कि पोयम इंडिया में होना चाहिए या नहीं, तो मैं जो भी पॉलिसी बनाऊंगी ABC INC के लिए वो ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट तो होगा जर्मनी में, बट इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा है ये ज़रूरी नहीं है, देखना ये ज़रूरी है कि जो डिसीजन मेकर है वो कहाँ पे बैठा हुआ है। वही यहाँ पे बोल रहे हैं पोयम डिटरमाइन करने के लिए इम्प्लीमेंट कहाँ हो रहा ये देखना ज़रूरी नहीं है, इम्प्लीमेंट कौन पॉलिसीज बना कौन रहा है ये देखना ज़रूरी है। द प्लेस वेयर दिस मैनेजमेंट डिसीजन आर टेकन वुड बी मोर इंपॉर्टेंट देन द प्लेस वेयर सच डिसीजन आर इम्प्लीमेंटेड फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पोयम, इट इज़ द सब्सटेंस विच वुड बी कंक्लूसिव रेदर देन फॉर्म। और कुछ इस दो चीज़ों के अलावा कुछ और गाइडिंग प्रिंसिपल हमारे पास दिए हुए हैं जिनको हमें और चेक कर लेना है, और इन गाइडिंग प्रिंसिपल में भी अगर हाँ 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 आता है तो फिर हम ये मान लेंगे कि ये कंपनी का पोयम इंडिया में इस्टेब्लिश है, कंपनी रेसिडेंट बन जाएगी और रेसिडेंट बनने के बाद आपको पता ही आपका ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाता है। देखो हमारा पहला पॉइंट क्या बोलता है इसमें, लोकेशन वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग्स आर हेल्ड, मतलब कि जहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हो रही है वो प्लेस हमें डिसाइड करेगा कि मतलब एक जो फैक्टर अभी हमें कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे, अगर उन सारे पॉइंट्स में यस 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 निकल के आ जाता है देन ऑब्वियसली आपका पोयम इंडिया में डिटरमाइन हो जाएगा। तो पहला पॉइंट आपका बोलता है कि कहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, दिस मे बी द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड रिटेन एंड एक्सरसाइज इट्स अथॉरिटी टू गवर्न द कंपनी एंड डज इन सब्सटेंस मेक मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती कहाँ पे है? अगर वो मोस्ट ऑफ द मीटिंग इंडिया में होती है तो मतलब कि वो पोयम इंडिया में डिटरमाइन हो जाएगा। बट उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये कौन से वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, ये स्टैंडिंग असाइड वाले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं जो कि सिर्फ ऑन पेपर चार बोर्ड मीटिंग करके स्टैचुटरी कंप्लाइंसेस फुलफिल कर रहे हैं, या एक्चुअली में ये की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन ले रहे हैं कंपनी के इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाली मीटिंग में। अगर ये की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजन ले रहे हैं और तो फिर इनका जो लोकेशन देखना जरूरी है, और अगर आपने लोकेशन देखा अगर वो इंडिया निकल के आया तो पोयम इंडिया में हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो रहा है
मे बी मेंशन दैट मेयर फॉर्मल होल्डिंग ऑफ बोर्ड मीटिंग एट ए प्लेस वुड बाय इटसेल्फ नॉट बी कंक्लूसिव फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम बीइंग लोकेटेड एट द प्लेस इफ द की डिसीजन बाय द डायरेक्टर आर इन फैक्ट बीइंग टेकन इन प्लेस अदर देन द प्लेस वेयर द फॉर्मल मीटिंग्स आर हेल्ड. जो मैंने आपको ऊपर बताया कि अगर ये सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग जो है, चार मीटिंग हो रही है, ऑन पेपर हो रही है, बट यहाँ पर कुछ डिसीजन ही नहीं लिए जा रहे, ये सिर्फ आपको स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेज हैं, तो फिर ये लोकेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का कोई मतलब नहीं बनता है. देन सच अदर प्लेस वुड बी रेलिवेंट फॉर पोएम. तो फिर वो अदर प्लेस जो है, क्योंकि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में अगर ये की मैनेजमेंट डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं, तो कहीं पर तो ये की मैनेजमेंट डिसीजन लिए जा रहे होंगे, तो ये अदर प्लेस जो है वो पोएम बन जाएगा. अब समझ रहे मेरी बात को? अगर ये इंडिया में लिए जाते तो ये इंडिया पोएम बन जाता, बट अगर ये कहीं और लिए जा रहे हैं तो वो पर्टिकुलर प्लेस पोएम बन जाएगा. वेयर द, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया गया है, बोर्ड मीटिंग्स आर हेल्ड इन ए लोकेशन डिस्टिंक्ट फ्रॉम द प्लेस वेयर द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज लोकेटेड. सच लोकेशन इज अनकनेक्टेड विद द प्लेस वेयर द प्रीडोमिनेंट एक्टिविटी ऑफ द कंपनी इज बीइंग कैरिड आउट. इफ बोर्ड हैज़ डी फैक्टो डेलीगेटेड द अथॉरिटी टू मेक द की मैनेजमेंट एंड कमर्शियल डिसीजन फॉर द कंपनी टू द सीनियर मैनेजमेंट और एनी अदर पर्सन इंक्लूडिंग अ शेयर होल्डर प्रमोटर और अ स्ट्रेटेजिक लीगल फाइनेंशियल एडवाइजर डज नथिंग मोर देन आउटलाइन रेटिफाइंग द डिसीजन दैट हैव बीन मेड बाई द कंपनी. प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट विद ऑर्डिनरली बी द प्लेस दो सीनियर मैनेजमेंट और पर्सन मेक दोस डिसीजन. सिंपली जो मैंने आपको बात बताया ना, वही यहाँ पे एक तरीके से रिपीटेशन हो रहा है कि अगर की मैनेजमेंट या कमर्शियल डिसीजन जो है, अगर कोई सीनियर मैनेजमेंट ले रहा है जो कि आउटसाइड इंडिया है, जो कि कहीं दूसरी जगह पे है, या फिर कंपनी तो जर्मनी की है बट उसका की मैनेजमेंट कमर्शियल डिसीजन इंडिया में लिया जा रहा है, तो जहाँ पे की मैनेजमेंट या कमर्शियल डिसीजन लिया जा रहा है, जो भी कमिटी हो या जो भी पर्सन हो या जो भी सीनियर मैनेजमेंट हो, वो जो भी ले रहे हैं, उनके लोकेशन को चेक करना हमें ज़रूरी है. बट अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सिंपली रेटिफाई करती है कि मतलब ये जो सीनियर मैनेजमेंट है इसने कंपनी के डिसीजन ले लिए, या फिर ये जो पर्सन है इसने कंपनी के लिए डिसीजन ले लिए, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठी है और उसके एजेंडा में यही है कि ये डिसीजन लिए गए हैं, सब में हाँ हाँ करके हाँ बस हो गया भाई, साइन कर दो, ये डिसीजन हो गया. अगर सिर्फ रेटिफिकेशन ऑफ डिसीजन हो रहा है तो वो हमारे लिए लोकेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की का जो हमारे लिए रेलिवेंस नहीं है. मैंने आपको बताया सीनियर मैनेजमेंट की बात यहाँ पे छेड़ी थी कि सीनियर मैनेजमेंट अगर डिसीजन ले रहा है तो हम उस सीनियर मैनेजमेंट के का जो है लोकेशन देखेंगे, और वो पर्टिकुलर लोकेशन जो है अब उस पर्टिकुलर लोकेशन पे पोएम बन जाएगा. अगर वो पोएम इंडिया में है तो फिर आप रेसिडेंट बन गए, अगर वो पोएम आउटसाइड इंडिया जा रहा है तो फिर आप रेसिडेंट नहीं बने. अब सीनियर मैनेजमेंट का मतलब बताया गया है जो कि रिस्पॉन्सिबल है डेवलपिंग एंड फॉर्मुलेटिंग की स्ट्रेटजिक एंड पॉलिसीज फॉर द कंपनी. समझ रहे हैं आप? जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर या चीफ डायरेक्टर या फाइनेंशियल डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एंड द हेड ऑफ वेरियस डिविजन्स, इनको हम सीनियर मैनेजमेंट बोल सकते हैं. दूसरा हमारे पास पॉइंट है लोकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी. मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कुछ डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, अलग अलग कमेटी है, CSR कमेटी, CSR वाली डिसीजन लेती है, गवर्निंग कमेटी है जो कि गवर्नेंस के लिए से रिलेटेड डिसीजन लेती है, एक फाइनेंस वाली कमेटी बना दी है जो कि फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेती है. तो अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन नहीं ले रहे हैं, मे डेलीगेट सम और ऑल ऑफ इट्स अथॉरिटी टू वन और मोर कमेटी सच एज एग्जीक्यूटिव कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ ऑल की मेंबर एंड सीनियर मैनेजमेंट. इन दिस सिचुएशन लोकेशन वेयर एग्जीक्यूटिव मेंबर आर बेस्ड एंड वेयर द कमेटी डेवलप एंड फॉर्मुलेटेड द की स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिसी फॉर मेयर अप्रूवल ऑफ बाय द फुल बोर्ड विल बी द पोएम. यहाँ पे ये कह क्या रहे हैं, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने CSR बोला तो ये कोई उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपको की कमर्शियल डिसीजन या की डिसीजन में नहीं आता है CSR एक्टिविटीज़ के लिए डिसीजन लेना. बट मैंने कहा मैंने एक गवर्निंग कमेटी बना दी, या फिर जो अगर आपके लॉ के हिसाब से चले तो एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसमें कि सारे सीनियर मैनेजमेंट को हमने डाल रखा है, और ये सीनियर मैनेजमेंट जो है वो हमारे कंपनी के की मैनेजमेंट या कमर्शियल डिसीजन लेते हैं. तो ये सीनियर मैनेजमेंट का जो भी लोकेशन होगा वही लोकेशन हमारे लिए पोएम डिटरमाइन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होगा. और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो सिर्फ इस डिसीजन को अप्रूव करते हैं तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का लोकेशन नहीं देखेंगे, हम इस एग्जीक्यूटिव कमेटी का लोकेशन देखेंगे. ये जो भी लोकेशन होगा ये लोकेशन ही हमारे लिए पोएम डिटरमाइन करेगा. ये जो भी लोकेशन होगा वहीं पे मेरा पोएम इस्टैब्लिश होगा, और वहाँ पे पोएम इस्टैब्लिश होगा. अगर वो इंडिया में इस्टैब्लिश हुआ तो रेसिडेंट बन जाते हैं आप. अब आता है हमारे पास लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस. रिप्रेजेंट द प्लेस वेयर द की मैनेजमेंट डिसीजन आर मेड.
जनरली अगर मैं नॉर्मली एक कंपनी ऑपरेट कर रही है और अगर मैं उसकी बात करूँ, अगर उसका एक हेड ऑफिस है तो वो हेड ऑफिस पे ही मेजर डिसीजन लिए जाते हैं, तो जहाँ पे वो हेड ऑफिस है वही मेरा पोएम बन जाएगा। फॉलोइंग पॉइंट नीड टू बी कंसिडर्ड फॉर डिटरमाइनिंग द लोकेशन ऑफ द हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अगर सीनियर मैनेजमेंट और सपोर्ट ऑफ स्टाफ बेस्ड ऑन ए सिंगल लोकेशन एंड द लोकेशन इज हेल्ड आउट टू पब्लिक एज द कंपनी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और हेड क्वार्टर, देन दैट लोकेशन इज प्लेस वेयर हेड ऑफिस इज लोकेटेड। मान लो जहाँ पे भी अगर मैंने हेड ऑफिस इसे डिक्लेयर किया हुआ तो है, बट यहाँ पे कोई सीनियर मैनेजमेंट मेरा बैठता नहीं है, तो ये लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस अब मेरे लिए कोई रेलेवेंस नहीं रखती है। आप समझ रहे हो कैसे हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि कंपनी एक्चुअली में ऑपरेट कहाँ कर रही है, कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट बैठा कहाँ हुआ है। बट अगर ये हेड ऑफिस मैंने डिक्लेयर किया हुआ है और यहीं पे मेरा सीनियर मैनेजमेंट बैठता है, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपने देखा होगा, तो वही कंपनी जो है, वही प्लेस जो है, वही लोकेशन जो है, मेरा डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर वो इंडिया में है तो पोएम इंडिया में होगा और फिर कंपनी रेसिडेंट बन जाएगी। अगर वो आउटसाइड इंडिया आता है तो कोई बात नहीं है, वो रेसिडेंट नहीं बनेगी, पोएम इंडिया में डिटरमाइन नहीं होगा। इफ़ द कंपनी इज मोर डिसेंट्रलाइज, फॉर एग्जाम्पल वेयर वेरियस मेंबर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट में ऑपरेट फ्रॉम टाइम टू टाइम वेस्ट ऑफिस लोकेटेड इन वेरियस कंट्रीज, देन द कंपनी हेड ऑफिस वुड बी लोकेशन वेयर द सीनियर मैनेजमेंट आर प्राइमरी और प्रीडोमिनेंटली बेस्ड और नॉर्मली रिटर्न टू द फॉलोइंग ट्रेवल टू अदर लोकेशन और मीट व्हेन फॉर्मुलेटिंग डिसीजन की स्ट्रेटेजीज। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली गई है कि कल को एक ऐसा केस भी उठ के आ सकता है जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि ये हेड ऑफिस है और ये सीनियर मैनेजमेंट है, बट सीनियर मैनेजमेंट का कोई एक फिक्स्ड प्लेस है ही नहीं। कभी वो कहीं रहते हैं, और इनका जो कॉल वगैरह होता है ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो जाता है या अदरवाइज, मतलब जो जैसे भी नेट वगैरह कॉल हो जाता है उससे डिसीजन लिए जाते हैं। तो इस केस में हम क्या माने, इस केस में हम कौन से लोकेशन को देखें? इस केस में बोला गया, देखो ऐसा नहीं होगा कि साल के 365 दिन कोई कहीं रह रहा है, कोई तो एक चीज़ होगी, कोई तो ऐसा, जैसे ज्वाइंट वेंचर का डिसीजन हो गया, मर्जर का डिसीजन हो गया, एक्विजिशन का डिसीजन हो गया, कंपनीज आए दिन ये करती रहती हैं, या किसी भी कंपनी के लिए जो भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, कभी ना कभी ऐसा होता है जब एक प्लेस डिसाइड होता है कि यहाँ पे लोग मिल रहे हैं, जनरली तो यहीं पे लोग मिलते हैं। 100 डिसीजन लिए गए जिसमें 100 में से 20 इंपॉर्टेंट डिसीजन थे और ये 20 इंपॉर्टेंट डिसीजन जो है दिल्ली में लिए गए, तो कंपनी का जो लोकेशन हम देखेंगे दिल्ली देखेंगे, और जब हम ये दिल्ली देख रहे हैं ये इंडिया है, इसका मतलब कि पोएम इंडिया में डिटरमाइन हो गया, आप कंपनी आपकी रेसिडेंट बन गई यहाँ पे। वही डिफरेंट लोकेशन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात हो रही है, छोड़ते हैं अब हम। इन ए सिचुएशन वेयर सीनियर मैनेजमेंट इज सो डिसेंट्रलाइज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल कंपनी हेड ऑफिस विद अ रीजनेबल डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, द लोकेशन ऑफ कंपनी हेड ऑफिस वुड नॉट बी मच रेलिवेंस टू डिटरमाइन द कंपनी प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। और अगर बिल्कुल ही ऐसा हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि सीनियर मैनेजमेंट इतना डिसेंट्रलाइज है, एक कंपनी जो है आपकी ईस्ट में है, एक कंपनी वेस्ट में है, एक कंपनी यूरोप में है, सॉरी एक सीनियर मैनेजमेंट यूरोप में है, एक कंपनी आपका एशिया में है, एक अफ्रीका में है, इस तरीके से इतना डिसेंट्रलाइज्ड है, तो हम वहाँ पे लोकेशन की बात, हेड ऑफिस की बात करेंगे ही नहीं, देखेंगे ही नहीं, वो हमारे लिए बिल्कुल भी अब एक नॉन रेलिवेंट फैक्टर बन जाता है। दूसरा आपका आता है पॉइंट नंबर डी एंड पॉइंट नंबर ई। हाँ या वी हैव टू मोर पॉइंट्स, रेसिडेंस ऑफ डायरेक्टर। अगर मान लो कि अगर कोई की डिसीजन डायरेक्टर ले रहा है तो हम उस डायरेक्टर का, मैं पढ़ूंगी नहीं इसे, हम उस डायरेक्टर का लोकेशन देखेंगे जहाँ पे वो बैठ के डिसीजन ले रहा होगा, वही मेरा पोएम डिटरमाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाएगा। और शेयर होल्डर, कभी कभी क्या होता है कि एक कंपनी फॉर्मुलेट हुई, अब इसके कुछ स्ट्रैटेजिक शेयर होल्डर हैं, जब भी कंपनी का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है तो ये डिसीजन मैनेजमेंट के पास, सीनियर मैनेजमेंट के पास या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास नहीं है, ये वाले शेयर होल्डर्स लेते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये शेयर होल्डर कहाँ पे बेस्ड हैं, कहाँ पे बैठ करके ये मीटिंग करते हैं, कहाँ पे ये बेस्ड आउट हैं। जहाँ पे भी ये बेस्ड आउट हुए या जहाँ पे भी बैठ करके ये मीटिंग कर रहे हैं, वो लोकेशन मेरे लिए डिटर्मिनेशन ऑफ पोएम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर ये लोकेशन इंडिया है तो इसका मतलब कि पोएम इंडिया में है और ये कंपनी रेसिडेंट बन गई, आउटसाइड इंडिया है तो मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ना पोएम लगा ना रेसिडेंट बने। यही चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं। आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं, अदर गाइडिंग फैक्टर हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारा ये ख़त्म नहीं हुआ है। और उसके बाद से हम पढ़ेंगे टैक्स कंसिक्वेंसेज, जब कंपनी का पोएम इंडिया में डिटरमाइन हो गया तो उसका टैक्स कंसिक्वेंसेज क्या होगा। आज की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू कीप स्माइलिंग। And study hard. So I'll see you in my next video. Thank you so much for watching this class.